हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट मथुरा में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 11th क्लास का ट्राइग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.3। 3.3 का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हम अपनी प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसमें क्या था कि हमने ट्राइग्नोमेट्री के फर्स्ट टू टेंथ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो रहेगा 11 से 20 क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। देखें यहाँ पर आपको क्या है कि ये मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ लिखी हैं जो आपको आराम से आनी चाहिए, यानी कि आपको लर्न होनी चाहिए, और जब आप लर्न कर लेंगे इन्हें तो आपको बहुत आसानी होने वाली है अपने इस क्वेश्चनों को लेकर। देखें ये क्वेश्चन है प्रूव करने वाले। इन प्रूव करने वाले क्वेश्चनों में क्या होता है कि LHS से RHS को प्रूव कर सकते हैं और RHS से LHS को प्रूव कर सकते हैं, और दोनों साइडों को सॉल्व करके भी प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो टेकिंग, सबसे पहले मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, टेकिंग LHS यानी कि मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है। ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरी और ये वाली राइट हैंड साइड है, इसे मैं RHS कहता हूँ, ओके, और इसे LHS कहता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब मैंने क्या किया LHS को ले लिया है तो ये वैल्यू मिली है 3π/4 प्लस एक्स मिला, ओके, माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स मिला। देखें ये मेरे लिए ए का वर्क कर रहा है, ये मेरे लिए बी का वर्क कर रहा है, ये मेरे लिए ए का वर्क कर रहा है, ये मेरे लिए बी का वर्क कर रहा है। तो आप ये वाली आइडेंटिटी देख लीजिए कि ए माइनस बी में, कॉस ए माइनस बी में आपको ये वाला मिलेगा, ओके, यानी कि आपका जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस 2 sin। तो देखें दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कट जाएगा, कैंसिल आउट होगा x, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा जोड़ने पर, और आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी sin 6π/4π2, ओके। यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी साइन, क्या वैल्यू मिलेगी, जब मैंने क्या किया इनको जोड़ा था तो ये हो गया, अब घटाऊंगा, घटाने पर मुझे क्या होगा, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, पहली वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो आपको जो मिलेगा वो 2x मिलेगा, तो 2x/2 ये वैल्यू मिली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस 2 होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा साइन 6π/8, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स। देखें इससे 2 से ये कैंसिल आउट हो गया तो 3π/4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, तो वैल्यू जो मिली वो मिलेगी आपकी साइन 3π/4 और साइन एक्स। हम जानते हैं 3π/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/√2 और यहाँ पर साइन एक्स, ओके, रूट टू से इसे रूट टू काट दिया मैंने, तो यहाँ पर आएगा माइनस का √2 और साइन एक्स। तो ये आपका RHS आ चुका है, क्या आ चुका है, RHS, तो क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। देखिए एक साइड से दूसरी साइड को ले लें, है ना, या दूसरी साइड से एक साइड को ले लें तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखें यहां पर मैं यहां पर करने वाला हूं सिंपल टेकिंग LHS, ओके, यहाँ पर क्या किया, देखें साइन स्क्वेयर ए है, साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 4x, ये हो गया। देखिए ये ए का वर्क कर रहा है, ये बी का वर्क कर रहा है, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी क्या होता है। देखिए साइन स्क्वेयर ए और साइन स्क्वेयर बी होता है साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैंने एक बार जोड़ा तो यहाँ पर 10x हो गया, क्या हो गया, 10x हो गया, और मैंने इन्हें घटाया एक बार तो यहाँ पर आपका 2x मिला, तो साइन 2x होगा। तो देखें यही आपका RHS है, यही आपका RHS है। क्या करना है, सिंपल एक बार जोड़ देना एक बार घटा देना, क्योंकि हम जानते हैं क्या साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी ये होता है। तो हमारा क्वेश्चन यही फिनिश हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर कॉस की सेम वैल्यू देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बट यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि कॉस का रिजल्ट कॉस में नहीं दे रखा है, साइन में दे रखा है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, देखें टेकिंग, सबसे पहले आप इस साइड को लिख लीजिए कि LHS है, हमने LHS ले लिया है, LHS लेने के बाद आपको जो मिलेगा वो होगा कॉस स्क्वेयर 2x माइनस कॉस स्क्वेयर 6x, ओके, ये वाली वैल्यू मिली। हमने क्या किया, कॉस को साइन में चेंज कर दिया, कॉस को साइन में चेंज करने के लिए हमें एक फॉर्मूला आता है, क्या, कॉस स्क्वेयर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, यही वाली वैल्यू होती है, सिंपल। तो मैंने यहाँ लिखा 1 माइनस साइन स्क्वेयर 2x, और यहाँ पर माइनस है तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर 6x, ये वैल्यू मैंने लिख ली है यहाँ पर।
जब मैंने ये वैल्यू लिख ली तो यहाँ पर देखिए वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट खोलूंगा मैं, तो ये वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी साइन स्क्वेयर 6x और माइनस साइन स्क्वेयर 2x। सेम प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन इसी तरीके से था। अब मैंने क्या करना है, एक बार जोड़ देना है और एक बार हटा देना है, सिंपल सा। तो मैंने एक बार जोड़ा तो यहाँ पर मिलेगा साइन ए प्लस बी यानी कि 8x हो गया, सॉरी 8x, साइन 8x हो गया, और माइनस किया तो आपका 2x हो गया। क्या हुआ 2x, तो यही आपका आंसर होगा, सॉरी माइनस करेंगे तो 4x होगा, 2x नहीं माइनस करेंगे तो 4x होगा, 6 से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर 4x हो गया। तो यही आपका RHS है, तो हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि इजी क्वेश्चन नहीं है थोड़ा सा। देखें क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि ये आपके पास टू वैल्यू हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू आपके पास हैं, अवेलेबल हैं पहले से। तो मैंने यहाँ पर टेकिंग एल एच एस, अब जब टेकिंग एल एच एस आपने ले ही लिया है तो देखें आपको वैल्यू जो मिली वो साइन 2x प्लस 2 साइन 4x हो गया प्लस साइन 6x हो गया, ओके। इन दोनों वैल्यूओं को आप एक साइड रखिए, इन दोनों वैल्यूओं को मैंने क्या किया एक साइड लिख लिया, साइन 2x प्लस साइन 6x है ना, और प्लस 2 साइन 4x को मैंने एक साइड लिख दिया, ये कर दिया। अब मैं जानता हूँ ये तो साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी है, तो साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी जो थी उसमें क्या था, देखिए साइन c प्लस साइन d वाली आइडेंटिटी में क्या था कि साइन 2 साइन यहाँ पर आएगा 2 साइन c प्लस d, यानी एक बार दोनों को जोड़ दिया था c प्लस d किया तो 8x हो गया, 8x बाई 2, ओके। यहाँ पर आएगा cos c माइनस d, cos c माइनस d यानी कि इससे इसको माइनस करूँगा तो 4x आएगा, और cos का माइनस का होना प्लस का ही हो जाता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, ओके। तो मैंने क्या किया यहाँ से इसे कैंसिल आउट कर दिया है, तो यहाँ पर देखें जब मैंने इससे इसको माइनस किया 4 और 2 से डिवाइड किया तो 2x आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 4x बाई 2 आएगा, और cos माइनस का पॉजिटिव ही रहता है, ध्यान दीजिएगा cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, 2 साइन 4x, और यहाँ पर आपका जो कैंसिल आउट करूँगा मैं इसे तो 2x बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा cos 2x, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। और बाकी का बचा हुआ पार्ट को यहाँ पर आप लिख लीजिए प्लस प्लस 2 साइन 4x, ये वैल्यू बची। देखें साइन 4x, साइन 4x मैंने कॉमन ले लिया है, 2 साइन 4x यहाँ से कॉमन लिया, आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी cos 2x प्लस 1, ओके, cos 2x प्लस 1, ओके। अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमें प्रूफ करना है 4 cos स्क्वेयर x यहाँ पर sin x, ये sin 4x प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं क्या 2 साइन 4x, तो ये हो गई, हम जानते हैं cos 2x इज इक्वल टू, ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू रिजल्ट होते हैं cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x, ओके। यहाँ पर होता है 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, और यहाँ पर होता है आपका एक और फॉर्मूला होता है जिसे 10 में होता है, वो आप देख लेंगे जब क्वेश्चंस आपका आएंगे तब, ओके। देखते हैं क्या, देखिए cos 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 ये हम पे आइडेंटिटी है cos 2x, तो यहाँ रख देते हैं 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ रखा, क्लियर, और प्लस 1 ऑलरेडी है तो माइनस से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या cos स्क्वेयर x, तो 2 का मल्टीप्लाई जब मैंने इसके साथ किया तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा cos स्क्वेयर x और
साइन 4x, तो यही आपका RHS है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ईजी है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर टेकिंग LHS करना है, पेशेंस रखना है, टेकिंग LHS है ना, और इसमें क्या करना है, cot 4x को लेना है और यहाँ पर sin 5x और प्लस sin 3x आपके पास है। देखिए इस कंडीशन में आपको यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, तो वो आइडेंटिटी यहाँ पर रख देनी है आपको डायरेक्टली। तो यहाँ पर cot है सर, ये cot 4x मैंने यही रखा है। साइन ए प्लस बी की मैंने आइडेंटिटी लगाई, तो आपको अभी बताई थी मैंने क्या थी, साइन दोनों को जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, 8 का डिवाइड देंगे तो यहाँ 4x हो जाएगा, ओके। प्लस अगेन कॉस सी माइनस डी, तो कॉस की वैल्यू देखेंगे, कॉस तो यहाँ पर इससे जब मैं इसको माइनस करूँगा 2 आएगा, तो यहाँ कॉस एक्स हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन की वैल्यू लगा दी मैंने यहाँ पर, सॉरी प्रोडक्ट है, यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में आ चुका है आपके पास। ध्यान देखिए जब मैंने इसमें क्या लगाया, यहाँ पर मैंने इस वाले फंक्शन में मैंने लगा दिया है साइन ए प्लस साइन बी, यानी ये वाली आइडेंटिटी लगा दी है। तो आप इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको। जब आपको ये रिजल्ट मिल चुका है तो आप देखें यहाँ पर cot x को मैं लिख सकता हूँ cos 4x अपॉन साइन 4x, ओके। cot x को लिख सकता हूँ cos x अपॉन साइन 4x, cos x cos 4x अपॉन साइन 4x। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको क्या है साइन 4x और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है cos x, cos x, तो साइन 4x से साइन 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा क्या cos 4x और यहाँ पर cos x, ठीक है। ये तो रहा एक साइड का रिजल्ट। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए सेकंड साइड को मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, तो मैंने एक साइड तो निकाल लिया, एक साइड का तो मेरा आंसर ये आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर किया टेकिंग LHS तो हो गया, RHS क्या किया, RHS ले लिया। तो देखें RHS जब मैंने लिया तो यहाँ पर वैल्यू जो मिली मुझे मिलेगी cot x sin 5x माइनस sin 3x, यानी कि माइनस की आइडेंटिटी यहाँ पर लगने वाली है। तो जब मैं माइनस की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो cot x, और यहाँ पर देखें माइनस की आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर यूज़ की, तो माइनस की आइडेंटिटी आप लोगों को मैंने पहले लिखाई थी, तो क्या होती है भाई कोई बताएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 ये आपकी होती है आइडेंटिटी, ओके। जब ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है, जब ये वैल्यू हो गई मेरे पास, तो अब देखें इस आइडेंटिटी में आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वैल्यू रखने वाले इसकी, ए की जगह पर 5x, सी की जगह पर 5x और डी की जगह पर 3x। तो मैं यहाँ पर देखा cot x, अगेन उसी को ऐसे कैसे लिखने वाला हूँ, ठीक है, 2 cos x की जगह पर cos को cos रखेंगे, 5 3 यहाँ करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x, ओके। यहाँ पर देखा आपने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin c माइनस, यानी इससे माइनस करूँगा तो 2x आएगा, तो यहाँ sin x हो जाएगा, sin x हो गया, ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर cos x को मैं लिख सकता हूँ, cot x को लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x, और यहाँ पर इसे मैं लिख सकता हूँ 2 cos 4x डॉट sin x, sin x से sin x को कैंसिल आउट कर दिया। जब मैंने sin x से sin x को कैंसिल आउट कर दिया तो देखें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी, देखिए सॉरी यहाँ पर एक 2 लगाना हम भूल चुके हैं, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, 2 यहाँ पर भी 2 आएगा, तो ये 2 आएगा, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे तो cos 4x और यहाँ पर हो जाएगा आपका cos x, यानी कि LHS का और RHS का रिजल्ट सेम आ रहा है। तो देखें यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस्ड प्रूफ। मैंने क्या कहा था शुरुआत में ही कहा था मैंने कि आप दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, कि LHS से RHS को कर दीजिए, RHS से LHS को। अगर इन दोनों से नहीं होता है तो आप थर्ड मेथड अपनाएंगे, जो थर्ड मेथड है वो क्या है, दोनों साइडों का इक्वल रिजल्ट। तो मैंने देखिए LHS यहाँ पर किया था, तो LHS का जो रिजल्ट आया था, LHS का जो रिजल्ट था वो ये था, यानी कि LHS का जो रिजल्ट था वो ये था और RHS का जो रिजल्ट है वो ये है, तो दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो क्वेश्चन हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आप cos की आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, ओके। तो यहाँ पर आप cos की आइडेंटिटी ऊपर लगाएंगे तो cos 9x माइनस cos 5x, ओके। यहाँ पर sin की आइडेंटिटी लगाएंगे sin 17x माइनस sin
3x, ओके। जब मैं दोनों की आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, कॉस माइनस एक्स की यूज़ करने वाला हूँ, तो कॉस माइनस एक्स की जो होती है माइनस टू साइन सी प्लस डी। तो देखो दोनों को जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 7x हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा साइन सी माइनस डी, यानी इससे इसको माइनस किया तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2x, ओके। यहाँ पर किया अगेन, देखें यहाँ पर साइन की आइडेंटिटी जब मैं लगाऊंगा, साइन सी माइनस डी वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो टू कॉस सी प्लस डी, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए तो 18 हो जाएगा, और 18 से 9x बचेगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, ओके। अब देखें यहाँ पर क्या आया, मल्टीप्लाई कॉस एक्स ध्यान देंगे, देखें जब मैंने 20 होगा तो यहाँ पर 10x आएगा, 10x 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, तो यहाँ पर आएगा। अब देखें माइनस का, तो माइनस के रिजल्ट में क्या होता है, जब आप यहाँ पर माइनस का रिजल्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका साइन कॉस की जगह आएगा साइन, भाई मिस्टेक लिख दिया भाई, हाँ ठीक है, आपका जो है यहाँ पर साइन ही आएगा, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसे, साइन आएगा भाई, मिस्टेक लिख दिया वो, तो यहाँ पर साइन हो गया, क्या हो गया साइन। तो साइन कितना होगा, देखिए माइनस करेंगे तो इससे माइनस किया तो यहाँ पर 7x बचेगा, क्या बचेगा 7x। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं आप आराम से, 7x से 7x को माइनस कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो बचेगा क्या आपके पास, यहाँ पर देखें साइन 2x अपॉन कॉस 10x, सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया, RHS और हैज प्रूव्ड, ठीक है। अब आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 सिमिलर है भाई, सिमिलर है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसमें वैल्यू रखनी है, और क्वेश्चन हो जाएगा एक ही बार में। टेकिंग LHS, जब मैंने LHS ले लिया है यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर आपको साइन 5x, तो देखें प्लस का आइडेंटिटी है, तो प्लस का आइडेंटिटी में 2 साइन सी प्लस डी वाई 2, तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा 8, और 2 का डिवाइड देंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 4, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखें कॉस सी माइनस डी, तो कॉस यहाँ पर आएगा सी माइनस डी, यानी इससे इसको माइनस कर 2 का डिवाइड दिया तो एक्स, ये वैल्यू मिली, ओके। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर देखें कॉस सी प्लस डी वाई 2, तो यहाँ पर 2 कॉस सी प्लस डी वाई 2, यानी कि 8 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4x, ओके। और जब आप यहाँ पर करेंगे तो देखें यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी वो होगी कॉस सी माइनस डी वाई 2, तो कॉस से इसको जब माइनस करूँगा तो यहाँ पर 2x आएगा, और 2 का डिवाइड देंगे तो x आएगा, ओके। तो देखें सिंपल सा फंडा, इस वाले से ये वाला कटा, बचा हुआ रिजल्ट आपके पास यहाँ पर ये है, तो 2 साइन 4x अपॉन 2 कॉस 4x, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर आपको मिलेगा tan 4x, ये रहा आपका RHS। तो आप इस तरीके से फास्टली कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी लर्न हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन साइन, देखिए सेम वही प्रॉपर्टी अगेन, यहाँ पर क्या है साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो साइन ए माइनस साइन वी का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर साइन ए माइनस साइन वी का क्या था, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, टेकिंग LHS, यहाँ पर है 2 cos सी प्लस डी वाई 2, यानी कि x प्लस वाई बाई 2, और साइन सी माइनस डी वाई 2, यानी कि सी माइनस डी वाई 2, यानी कि x माइनस वाई बाई 2, ये थी। अगेन आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको cos सी प्लस cos डी वाली वैल्यू मिलेगी, तो cos सी क्या है यहाँ पर, cos सी और cos डी अभी किया था, देख लेते हैं cos सी में क्या है, दोनों को ऐड करेंगे cos सी प्लस डी वाई 2, यानी कि x प्लस वाई बाई 2, और यहाँ पर क्या था cos x माइनस वाई बाई 2, ये थी प्रॉपर्टी। देखें 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हुई, बचा हुआ रिजल्ट आपका 10, सेम प्रीवियस क्वेश्चन था भाई, इसमें कोई नया था ही नहीं, तो यहाँ पर आपका आएगा cos x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो ये था आपका 10x माइनस वाई बाई 2, ओके। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट सिमिलर वही क्वेश्चन फिर दोबारा से दे दिया आपको, सेम है, आप इसे कर लेना, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा लॉजिकल लग रहा है, देखें टेकिंग LHS क्या है, साइन एक्स माइनस साइन 3x, ओके। यहां पर है साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, ये थी कंडीशन। तो साइन एक्स माइनस वाई, जब साइन एक्स माइनस वाई की बात करेंगे तो 2 कॉस
सी प्लस डी यानी कि 4x होगा और 2x आ जाएगा यहाँ पर, ओके। अगेन आपका यहाँ पर साइन आएगा और दोनों को माइनस किया जाएगा, तो माइनस साइन होता है माइनस, आगे आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि जब माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ पर माइनस आएगा और माइनस की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर आ जाती है, ओके माइनस आ गया। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर क्या है, एक बार माइनस का और एक बार प्लस का आने वाला है, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, बट हम यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि कॉस 2x जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखें जब मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कॉस 2x बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस 2x बन जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आप ले लेंगे तो ये कॉस 2x बन जाएगा, कॉस 2x मैंने लिख दिया यहाँ पर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कॉस 2x से कॉस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या रहेगी, सॉरी यहाँ पर x आने वाला है भाई, जब मैं इससे माइनस करूँगा तो 2 से 2 का डिवाइड दूंगा तो x आएगा यहाँ पर, तो जो वैल्यू मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 2 साइन x, ओके ये वाली वैल्यू मिलेगी, और यही आपका क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये था आपका पार्ट एक्सरसाइज 3.3 यानी ट्राइगोनोमेट्री 11th क्लास का पार्ट सेकंड। पार्ट थर्ड और आएगा जिसमें कि आपको 21 से लेकर आपको 25 तक के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।